प्रेशर है वो बेसिकली नेगेटिव होता है, प्रेशर इसका पॉजिटिव नहीं होता। तो वो बाकी जो जोन्स हैं उनका प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है जी, वो इसलिए होना चाहिए दूसरे एरियाज का जब पॉजिटिव प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जर्म्स होंगे वो इधर से नहीं जाएंगे राशि साहब। ठीक हो गया। ठीक है जी, और वो एरिया जो होगा क्लीन जोन होगा, जो स्टीरियल सप्लाई वाला एरिया होगा वो हमारा बिल्कुल महफूज रहेगा। ठीक ठीक है, है जी, इसका प्रेशर नेगेटिव होना बिल्कुल चाहिए। इसका प्रेशर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इसका चलिए प्रेशर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आशीष साहब, आपको मॉडर्न सी सिस्टी के अंदर एक वन वे फ्लो नजर आएगा। ठीक है जी, वो जोन था हमारा डर्टी, आगे हमारा क्लीन जोन आ रहा है। ये आ जाइए, ये हमारा क्लीन जोन आ रहा है। ठीक हो ठीक गया। है जी, अच्छा जी राशि साहब, ये जो क्लीन जोन है इसमें आपने देखा होगा, एक तो हमारा लिनर इंस्पेक्शन रूम का डोर जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है। ठीक है जी, और इसके अलावा वॉशर जो है उसका डोर इस जोन के अंदर ओपन हो रहा है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लैब नजर आ रही है। ठीक है, एक डेस्क नजर आ रहा होगा, इस डेस्क के ऊपर आपने देखा है कि एक तो हमारे पास पेपर कटर पड़ा हुआ है, ठीक है, टेप डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, और इसके अलावा इसमें हमारा हीट सीलर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के क्रैक्स वगैरह को विजुअलाइज करने के लिए भी एक लैंप मौजूद होना चाहिए ठीक जो है। कि इंस्ट्रूमेंट्स के क्रैक वगैरह को रेजोनेट जो करेगा। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, एग्जैक्टली, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के फाइन लिए, माइक्रो तो इंस्ट्रूमेंट। वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी होना चाहिए मॉडर्न सिस्टम के ठीक अंदर। हो गया। ये हमारे पास जो है ये रैपिंग मटेरियल वगैरह को हैंग करने के लिए जो स्टैंड जो है वो प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका रैपिंग पेपर जो आप हैंग कर सकते हैं। ठीक ठीक है है। जी, और इसके अलावा हमारा इसी जोन के अंदर ही जो है ऑटो क्लेव अवेलेबल है। ठीक है जी, ठीक है। और ये ट्रिपल एम का है हमारे पास। इसके अलावा ये कोई अप्रोक्सीमेट कोई 400 to 600 लीटर का ये वाला ऑटो क्लेव अवेलेबल ठीक है है। ये हमारे इसमें पास। ये ऑटो क्लेव के बारे में थोड़ा सा बता दें, जी, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक है या तो ऑटो क्लेव की भी हमने एक दफा हम ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जब फर्दर इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि ऑटोक्लेव का फंक्शन क्या है। ठीक है, और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं ऑटोक्लेव की। तो इसके अलावा आपने फ्लोर की तरफ आपने देखा, तो ये फ्लोर जो है ये विनाइल फ्लोरिंग है हमारे पास। ठीक है। ये राशि साहब, ये एंटी बैक्टीरियल फ्लोरिंग है, और ये भी एक मॉडर्न सीसीटी की पहचान है, ये जो फ्लोरिंग है हमारी। ठीक है जी। और जैसे ही इस जोन के अंदर सभी को पता है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है, और इंस्ट्रूमेंट सेट्स के जो ऑयलिंग होती है, ठीक है, और इसके अलावा उनके क्रैक्स वगैरह चेक किए जाते हैं, सेट बनाए जाते हैं इस एरिया के अंदर, सेट को पैक किया जाता है, ठीक है, उनकी रैपिंग की जाती है, इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और इसके अलावा जो आउटसाइड लेबलिंग वगैरह होती है सेटों की वो की जाती है, उसके बाद ऑटोक्लेव के अंदर इंस्ट्रूमेंट सेट को रखा जाता है। तो ऑटोक्लेव में जब जैसे ही सेट स्टरलाइज हो जाता है, और उसके बाद वन वे फ्लो को मद्देनजर रखते हुए जो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे जोन में से जो है वो रिसीव किए जाते हैं जैसे ही साइकिल जो है वो कंप्लीट होता जैसे है। मतलब आगे कहने में हमें ये नज़र आ रहा है जो डर्टी जोन है वहाँ जी से इंस्ट्रूमेंट रिसीव होंगे, वहाँ पे प्रॉपर उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट जी होने के बिल्कुल, बाद वॉश होंगे, वॉशर के बाद सीधा इसी से आएंगे, एग्जैक्टली और यहाँ पे इनकी पूरी सारा प्रोसेसिंग बिल्कुल होके पूरी सीधा प्रोसेसिंग चला जाएगा जी इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव में। यहाँ से में। ऑटोक्लेव में कर दिया गया जो इसका बेसिक जो टाइम है उस टाइम के लिए, उसके बाद जैसे ही ऑटोक्लेव होगा तो फिर जी, फिर हमारे पास इस रास्ते से कहाँ नहीं है आएगा, ये एग्जैक्टली हमारा इस रास्ते से आएगा। जी, ठीक हो गया। तो दूसरी साइड दूसरा जो एक थर्ड जोन जो है जहाँ पे स्टीरियल सप्लाई जो है वो स्टोर की जाती हैं, ये हमारा ये वाला जोन है। तो यहाँ से जैसे इंस्ट्रूमेंट जो स्टरलाइज हो जाएंगे वो यहाँ पे रिसीव किए जाएंगे इस एरिया में, तो रिसीव होने के बाद में यहाँ पे उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स की, आया कि उनकी एक्सटर्नल टेप जो है उसका कलर चेंज हो गया या नहीं होगा,
सेट जो है वो वेट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और टाइम जो है वो प्रॉपर दिया गया इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, तो ये चीज़ें देख ली जाएंगी। अब ये जो जोन है राशिद साहब, इस रूम के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्टोर कर लिए जाएंगे, ठीक है। इस जोन की भी जो फ्लोरिंग है वो एंटी बैक्टीरियल विनाइल फ्लोरिंग दी गई है, और आपने देखा होगा तीनों जोन के कलर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ताकि हमें पहचान हो सके कि रेड कलर में कौन सा जोन है, ठीक है, उसके आगे जो जोन आता है जो क्लीन जोन है उसका कलर क्या, और जो हमारा एसटीआई सप्लाई का जो जोन है उसका कलर क्या, ये डिफरेंशिएशन के लिए भी इस एरिया का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली इस एरिया के अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 18-20 डिग्री के राउंड अबाउट इस एरिया का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और ताकि जो स्टीराइल सप्लाईज यहाँ पर पड़ी हुई है उनकी हैंडलिंग कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल मुनासिब अंदाज में और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रखी जा सकें, और ताकि उनकी स्टरलाइजेशन जो है वो कम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो इस एरिया में से अगर कोई सेक्टर हम लोगों ने आगे सप्लाई करना है तो वो इसी एरिया से ही होगा, और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जितने भी जोन देखे हैं ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप लोग पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के स्टैंडर्ड्स को देखें CGHD के, तो स्टैंडर्ड जो 90 है, जो 90 इंडिकेटर है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो CGHD डिपार्टमेंट है उसकी प्रॉपर फिजिकल बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी लेआउट होनी चाहिए आपकी, उसका एक आपका नक्शा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि 90 इंडिकेटर के अंदर आपको बताया जाता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, वॉशिंग कैसे करनी है, और इंस्ट्रूमेंट्स की डिसइंफेक्शन जो है वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म की जाएगी। इसके अलावा आप आगे देखते हैं CGHD के इंडिकेटर्स के अंदर इंडिकेटर 91 आ जाता है। 91 इंडिकेटर जो होता है वो आपको वैलिडेशन के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है कि आपने कौन कौन सा टेस्ट चलाने हैं और आपने कौन कौन सा इंडिकेटर जो है वो आपने इस्तेमाल करने से CGHD डिपार्टमेंट के अंदर जब इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करेंगे। और जो 93 जो इंडिकेटर है वो आपको इस चीज़ के बारे में इतला देता है कि आप जब ये देखें कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टरलाइज नहीं हुए या फिर ब्रेक डाउन ऑफ स्टरलाइजेशन आ रही है, ठीक है, और स्टरलाइजेशन जो है वो ब्रीच हो रही है, तो इसमें आप रिकॉल कैसे करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो रिकॉल करने का जो प्रोसीजर है इंस्ट्रूमेंट्स को वो आपको 92 इंडिकेटर जो है वो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो ये एक मॉडर्न CGHD जो है वो PHC के इंडिकेटर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, और आप GCE के स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये GCE के स्टैंडर्ड्स के भी अकॉर्डिंग होती है। तो राशिद साहब बहुत शुक्रिया, शॉर्ट ओवर भी था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जोन्स को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, डर्टी जोन जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और डर्टी जोन के अंदर किस किस्म की वर्किंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, और फिर हम क्लीन जोन को देखेंगे, क्लीन जोन का रिकॉर्ड जो है वो क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग्स क्या होती है क्लीन जोन की, और क्लीन जोन में कितनी किस्म के वैलिडेशन टेस्ट जो है जो परफॉर्म किए जाते हैं, और फिर हम लोग जो स्टीराइल जोन होता है हम उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि स्टीराइल जोन की रिकॉर्ड कीपिंग्स क्या होती हैं, और स्टीराइल जोन जो है इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया।